हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 6 यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो इनको देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे पहला वाला अगर मैं देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब वन टू थ्री और ऐसे करते करते 20। बेसिकली 20 ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या क्या आ सकता है। पहले तो मैं इसकी डिग्री निकालता हूँ इस वाले टर्म की, ठीक है? मैं हर क्वेश्चन में डिग्री निकालने वाला हूँ, तो पहले मैं इसकी डिग्री निकाल रहा हूँ। तो जब तुम इसकी डिग्री निकालोगे तो क्या आएगा? पहले तो एक्स है, डिग्री कैसे आएगा? डिग्री अगर ये एक्स एक्स स्क्वायर से मिल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मिल जाएगा, फिर एक्स क्यूब जो है एक्स की बार 4 से होगा, और ऐसे करते करते आखिरी में जाके एक्स की बार 20 से होगा। यानी कि एक्स फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब और ऐसे करते करते एक्स की बार 20 तक मल्टीप्लाई होगा। यानी कि एक्स की बार में क्या आने वाला है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, है ना? ऐसे करते करते कहाँ तक, 20 तक, राइट? तो यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, सीक्वेंस एंड सीरीज में डाटा हुआ, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। तो ये तो ऐसे कट गया। बेसिकली एक्स की पार 210, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डिग्री हो गई। डिग्री क्या हो गई, 210, क्या हो गई, 210, परफेक्ट। ठीक है, अब सुनो, जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, तो वो स्ट्रैटेजिकली तुम्हें हमेशा ऐसा देगा कि या तो वो 210 के बहुत पास होगा या फिर वो 210 के बहुत दूर होगा। मतलब क्या है इसका, जैसे अब जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पे 203 दे रखा है। अब 203 जो है यार, अगर तुम सोचो 203, तो यार वो 210 के बहुत पास में है। मतलब तुम सोच पा रहे हो, 7 का डिफरेंस है बस, है ना? एक्स की बार 203 तुम्हें ढूंढना है, और इसकी डिग्री क्या है, एक्स की बार 210, राइट? इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स की पार 5 है, फिर आ जाए बी एक्स की पार 4, फिर सी एक्स का क्यूब, फिर डी एक्स प्लस सॉरी डी एक्स स्क्वायर, फिर ई एक्स प्लस एफ लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है। और इसमें मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार एक्स क्यूब की डिग्री बता, ठीक है? तो तुम समझ पा रहे हो कि काफी एक्स की बार 5 के काफी पास था ये, राइट? सिमिलरली अगर एक्स की बार 210 है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे ए एक्स की बार 210 प्लस बी एक्स की बार 209 प्लस सी एक्स की बार 208, और ऐसे करते करते जाएगा ये 203 तक, और फिर उसके आगे जाएगा जाएगा जाएगा, और फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म तक पहुंच जाएगा। ये तो होगा, और तुम सोच पा रहे हो कि यार 203 तो बहुत पास है 210 के। अच्छा, अगर ये ना देकर के मानो मैं ऐसे दे देता कि मानो मैं बोल देता कि एक्स की बार 8 की डिग्री बताओ, ठीक है? तो उसका मान जोड़ा अलग है, उसमें क्या होगा, फिर हम एक्स की बार 8 लिख खेलेंगे। इसमें क्या होगा कि हम इन दोनों के डिफरेंस लिख खेलेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सही? तुम्हें इतना समझ में आ गया कि यार ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पूरा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, 20 ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो पॉलिनॉमियल बनेगा, इतनी बात की तो गारंटी है कि पॉलिनॉमियल ही बनने वाला है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बनेगा तो पॉलिनॉमियल, जो पॉलिनॉमियल बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, ए एक्स की पार 210 प्लस बी एक्स की पार 209, है ना? फिर ऐसे करते करते आगे देखा कि मान लो कहीं आ रहा होगा, कुछ भी आ जाए, मान लो h x की बार 203, तो हमें ये h चाहिए, और फिर इसके आगे आएगा 202 भी आएगा 200, ऐसे करते करते x आएगा आगे जाके, फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म भी आ जाएगा, मान लो z z मान z बोल दिया मैंने इसको, जो भी है फिलहाल। तो हमें हमें ये h की रिक्वायरमेंट है, सही है? अब देखते हैं कैसे कैसे किया जाए इसको। तो यार तुम्हारे पास डिग्री है 210, तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है 203 की। बच्चा बता देगा कि यार 210 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो 203 आता है, बोलो सही है? बिल्कुल। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, क्या हमने हमारे को दे रखा है एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू, फिर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री, ऐसी बीच में कहीं पर आएगा एक्स की पार 7 माइनस 7, तुम पैटर्न देख पा रहे होगे, और फिर ऐसे आगे तक क्या जाता जाएगा, ये एक्स की पार 20 माइनस 20, राइट? ये आ रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 210 में से जब मैं 7 हटा लेता हूँ, जब मैं 210 में से 7 को हटा लेता हूँ तो 203 आ जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जब मैंने बोला ना ये कहाँ से आया है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पार 4 इंटू एक्स की पार 5 इंटू एक्स की पार 6 इंटू एक्स की पार 7 इंटू एक्स की पार 8, और ऐसे करते करते एक्स की पार 200 नहीं एक्स की पार 20 तक तुमने मल्टीप्लाई किया, तब जाके एक्स की पार 210 आया होगा। अगर मैं ये एक्स की पार 7 इसमें से बीच में से गायब कर लूँ, ठीक है, सुनने ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है ये एक्सक्लूसिवली, ठीक है? फिलहाल तो हमने ये बीच में से घुमा दिया, ये तो हमने इसमें से गायब कर दिया, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की बार 4 एक्स की बार 5 एक्स की बार 6, फिर डायरेक्टली एक्स की बार 8। तो ये 7 का जो घोटाला हुआ, जो स्कैम हुआ, समझ गया ना, स्कैम जो हुआ, वो जो स्कैम हो रहा है यहाँ पर कि एक्स की बार 7 गायब हो गया, तो बेसिकली अब क्या आएगा, अब आएगा एक्स की बार 203, राइट? पर जब किसी बच्चे ने यहाँ पर ये देखा ना कि तुमने एक्स की बार 7 को गायब किया, उसने बोला मैं 7 क्यों गायब करूँ, उसने बोला एक और आइडिया मेरे पास, उसने बोला एक्स की बार 6 को गायब कर ले यहाँ से, और यहाँ से एक्स को गायब कर ले, अब भी हो जाएगा, है ना? उसने क्या करा, उसने बोला 210 को 7 माइनस करना है ना, तो तुम ऐसे कर लो -1 -6, तब भी तो 203 आ जाएगा। तो उसने ये हटा दिया उसमें से, उसने एक्स हटा दिया और उसने एक्स की बार 6 हटा दिया। अच्छा, फिर एक और महाशय आए, उन्होंने बोला यार ये भी क्यों हिलाना है, कुछ और हिला के देखते हैं, तो उसने ये हटा दिया, उसने एक्स की बार 5 को हटा दिया और एक्स स्क्वायर को हटा दिया, तब भी तुम देख लो एक्स की बार 203 ही आने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली पहले मैं ये फिगर आउट करूँ कि 210 में से 7 माइनस करते हैं तो 203 आता है, पर सिर्फ ऐसा 7 के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा और भी कैसे बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और क्या बन सकता है कि मैं -1 -6 कर दूं, तब बन जाएगा। अब इसको बढ़ाते जाओ,
210। तुमने एक पता है क्या करा था तुमने, अगर तुम पहले वाले को ध्यान से देखोगे ना एकदम पहले वाले को, तो तुमने बेसिकली ये करा, -1 0 -7 इक्वल से 203 है ना। तुमको कि जीरो की कोई औकात तो है नहीं, पर वो हमारा काम चला देगा क्योंकि अब मैं पैटर्न बना सकता हूँ है ना। 2 -5 इक्वल से 203 है ना, और 210 में से क्या माइनस करें, अगर मैं 3 यहाँ माइनस कर दूँगा यहाँ पर 4 माइनस करना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा 203। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर वो रिपीटेशन होने लगेगा। अगर तुम सोच के देखो तो इसके बाद फिर क्या आएगा, 4 -3 है ना, यहाँ पे देखो 3 का 4, भाई देखो 0 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। फिर क्या आएगा 6, 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। मतलब क्या है इसका कि भाई तू हटा तो क्या रहा है, तुम देखो इस वाले तुम क्या करो, तुम कह रहे हो भाई पहले एक्स की बार 4 काटा फिर एक्स क्यूब को हटाओ, इस वाले तुम कह रहे हो पहले एक्स क्यूब को हटाओ फिर एक्स की बार 4 हटाओ, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तुम बेसिकली सेम स्टेटमेंट को ही बोल रहे हो ना, राइट। तो हमने इस केस को हटा दिया यहाँ से। फिर एक और महान प्राणी आया मेरे पास, उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला कि तुमसे ये किसने कहा कि सिर्फ 2 हटा सकते हैं, 3 हटा दो, 4 हटा दो, सबके सब हटा दो, तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा मन है। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही करा यार, है ना, ऐसा कर तो सकते हैं। तो दिमाग में और लड्डू फूटे है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, मतलब लेकिन यार इसमें कोई कंस्ट्रेंट है क्या, मतलब कैसे इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से हम हटा सकते हैं और कौन कौन से हम नहीं हटा सकते, है ना, कुछ तो शायद इसमें कंस्ट्रेंट भी होता होगा। तो उसके लिए मेरा मानना ये है कि पहले ज़रा समझते हैं इसको, फिजिकली समझते हैं, मतलब एक तरीके से इसको कैलकुलेटिवली समझते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ा हटा रहे हो कोई, तुम एक्स की पावर 7 को हटा थोड़ा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो रियलिटी में, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल में। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम आया कहाँ से, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये वाला बंदा मानो यहाँ का जो एक्स है वो या तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है या फिर -2 से मल्टीप्लाई होता है, ये मैं वहाँ पे समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, पहले वाले लेक्चर के अंदर जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ समझाया था, वो इसलिए इतना टाइम लगा के समझाया था जैसे कि ये वाले इस टाइप का टाइप तुम्हें समझ में आ जाए। अब सुनना, मैं अब नहीं समझाने वाला हूँ इतने अच्छे से क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो सुनो, अगर ये एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर से मतलब हो जाए, फिर ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब से हो जाए, फिर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 सबसे होते होते बस इस एक्स की पावर 7 की जगह पर ना -7 से हो जाए। समझ में आया क्या हुआ, मैंने एक्स की पावर 7 को छोड़ करके -7 ले लिया, फिर इसके आगे वाले को ले लिया मैंने, यहाँ पे इसके आगे क्या होगा एक्स की पावर 8 -8, तो यहाँ पे तो मैंने एक्स की पावर 8 को लिया है, फिर एक्स की पावर 9 को लिया है, और ऐसे करते करते एक्स की पावर 20 को लिया है। मतलब तुमने सिर्फ और सिर्फ बीच वाले को छोड़ा है, ये समझ में आया, यानी कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने पहले एक्स की पावर 7 -7 इसको अलग बुला लिया, बेटा तुम जरा इधर आओ, तुमसे जरा मीटिंग में बात करनी है कुछ, अब बाकी लोगों को अपने पास रखा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल 20 -20। तो अब तुम्हें फिजिकली समझ में आ रहा होगा, तुम्हें मैथमेटिकली फीलिंग आ रही होगी जब मैं यहाँ पे बोला था ना कि एक्स की पावर 7 को हटा लो, तो मेरा मतलब ये था कि इसके ब्रैकेट में से जब तुम सबको तो तुमने एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6, पर जैसे ही एक्स की पावर 7 पे आए तो तुमने पार्शियलिटी दिखा दी, तो तुम कहाँ गए -7 पे गए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो था वो -7 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद फिर तुम लौट के अपनी लाइन पे आ गए, फिर तुमने क्या करा एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 9 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट, और ऐसे करते करते क्या बन गया एक्स की पावर 203 बन गया। अब तो तुम समझ ही गए होगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, -1 -6। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक्स -1 को बाहर बुलाया और मैंने एक्स की पावर क्या नाम है इसका एक्स की पावर 6 -6 इन दोनों को बाहर बुलाया और इनको ज़रा अंदर छोड़ दिया, किनको एक्स स्क्वायर -2 एक्स का क्यूब -3 और ये इन दोनों को हटा करके जितना भी है तो क्या है एक्स की पावर 20 -20। तुम कहोगे इससे फर्क क्या पड़ रहा है, तुम बस अरेंज ही तो कर दे रहे हो, मैंने कहा ना ना ना, मेरा मतलब ये है कि इनमें से तो मैं एक्स लूँगा और इनमें से मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, जो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना उनमें से तो मैं क्या लूँगा एक्स लूँगा, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये सब, और इसमें से क्या लूँगा सिर्फ और सिर्फ -7। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 ऐसे करते करते एक्स की पावर 20 तक, पर इसमें से क्या लूँगा एक्स -6 और इसमें से -1, ये स्ट्रैटेजी है अपनी, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो क्या तुम ये लॉजिकली समझ पा रहे हो कि जब मैं अगर मैं पहला वाला केस देखता हूँ एक्स की पावर 7 -7 वाला, तो इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं अंदर देखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें क्या हो रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6 ऐसी करते करते एक्स की पावर 20 तक जा रहा है, इन सब में कोएफिशिएंट क्या है, भाई कोएफिशिएंट तो 1 ही है, अरे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1, इसका भी कितना है 1, तो जब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स क्यूब, तो है तो अभी भी 1 ही ना, 1 × x³ तो हो रहा है वो, तो कोएफिशिएंट तो अभी भी 1 है, तो जब ये सारे के सारे टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब क्या आ रहा है उससे, क्या तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है बेसिकली, उससे मेरे को मिल रहा है क्या, उससे मेरे को मिल रहा है सिंपल 1। और फिर जो ये एक्स की पावर जो भी आया यहाँ पर ये जाके मल्टीप्लाई, ये एक्स की पावर 203 आएगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्स की पावर 203 जो आया वो जाके मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ, तो तुम्हें कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है -7 एक्स की पावर 203, तो कोएफिशिएंट कितना हुआ -7, समझ में आ गया। तो केस 1 जो था उसका कोएफिशिएंट कितना था -7, जो केस 2 यहाँ पे बनाया गया है फिर से क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बनेगा एक्स की पावर 203, कोएफिशिएंट कितना चल रहा है यहाँ पे 1, फिर ये जाके मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो कितना हो गया -6 इंटू एक्स की पावर 203, फिर ये जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो फिर माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6 एक्स की पावर 203
तीन, तो यहाँ पर जो केस टू है उसका कोएफिशिएंट कितना आ गया, सिक्स आ गया, राइट। तो ज़रा इसको ही हम ज़रा थोड़े और तरीके से बढ़िया करके लिख लेते हैं फॉर्मली कैसे इसको लिखा जाए, ठीक है, बढ़िया करके। तो यार ये मैंने ना थोड़ा सा तुम्हारे लिए नोट्स टाइप के बनाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर वन का, जिससे कि तुम्हारी कॉपी पे एकदम बढ़िया तरीके से लिख जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन निकाला, तो डिग्री जब निकाली तो आ गया एक्स की बार 210, यानी डिग्री कितनी आई 210, रिक्वायरमेंट कितनी की थी 203 की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है डिग्री के, इसलिए हम लोग ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर। तुम दिख भी रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है और सिर्फ 9 पूछा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये काफ़ी दूर होगा डिग्री के, पर यहाँ तो बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू डिग्री। सो ऑल केसेस दिस कैन बी पॉसिबल, हाँ मतलब ये मैंने ये लिखा है कि कितने केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि 210 का 203 बन जाए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि ये जो है ये एक्स जो होगा ये एक्स स्क्वायर से मिल रहा होगा, फिर ये एक्स क्यूब से मिल रहा होगा, फिर एक्स की बार 4 से मिल रहा होगा, तो ऐसे करते हुए मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर। इसमें से अगर मैं एक्स की बार 7 को बाहर निकाल लूँ और इसका कॉन्स्टेंट यहाँ पर डाल दूँ, यानी कि एक्स की बार 7 निकाल करके -7 यहाँ डाल दूँ, तो एक्स की बार 203 बन जाएगा, बल्कि टू बी एग्जैक्ट -7 इंटू एक्स की बार 203 बनेगा, बिल्कुल। तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में एक तरह मतलब एक तरीके से नंबर फॉर्मेट में मैंने कैसे लिखा कि अगर ये एक्स की बार 7 यहाँ होता तो कितना आता 210, बट अगर मैंने इसको एक्स की बार 7 यहाँ से निकाल लिया यानी कि -7 कर दिया तो 203 बन रहा है, राइट, यही तो हो रहा है। तो मैंने फिर इसके सारे केसेस बनाने की कोशिश करी, मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर सिमिलरली कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की बार 4 एक्स की बार 5 एक्स की बार 6 ऐसे करते करते हैं, इसमें से मैंने एक्स को निकाल दिया और उसका कांस्टेंट डाल दिया, उसकी कांस्टेंट की जगह क्या आएगा -1, एक्स की बार 6 को निकाल दिया और उसका कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। तो अगर उसका कांस्टेंट निकाला तो उसका क्या मतलब हुआ कि -6 डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा -6 इंटू -1 कितना होता है 6, और बाकी सब क्या है सिंपल भाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की बार 4 ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 6 यहाँ क्या जाएगा 6 आ जाएगा, बल्कि मैंने लिखा नहीं -7, मैं लिख देता हूँ सही, यहाँ लिख देता हूँ 6, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से समझा देता हूँ कि इस नोटेशन का मतलब क्या है, मतलब नोटेशन नोटेशन कुछ नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए ये जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि मानो फॉर एग्जांपल एक्स की बार 7 को निकालो, को निकालो हिंदी में लिख दिया भाई आपने तो जिससे कि याद रहे, इसको निकालो और उसका कोएफिशिएंट जो है वो यूज़ करो, वो यूज़ करो, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है वो भी हम समझा चुके हैं, है ना, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल तो मैं एक्स क्यूब की जगह -3 को यूज़ करना है, तो एक्स यूज़ करो फिर एक्स स्क्वायर यूज़ करो फिर एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब की जगह पे -3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक्स की बार 4 ऐसे करते करते, तो इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोएफिशिएंट कैसे मतलब है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जिसको समझ में आई है सिर्फ वही इसको नोट के फॉर्मेट में लिख पाएगा, वरना मेरा सजेशन यही है इस वीडियो को तुम 2-4 बार देख लो, बल्कि जब रिवाइज करो तब देख लेना, उससे क्या होगा कि तुम्हारे मेथड में घुस जाएगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ये वाला, तो नोट्स तो अपने आप चमकेगा कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं नोट्स, मुझे पता है पहले से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हाँ जी। तो अब क्या तुम्हें एक चीज़ हिंट मिल रही है यहाँ से जो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूँ तो मज़ा आ जाएगा यार, देख यहाँ पर था -7 तो कोएफिशिएंट कितना आया -7 एक्स की बार 203, जब यहाँ पर था -1 और -6 तो कोएफिशिएंट कितना आया 1, देखो -1 इंटू -6 कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ पर आ गया 6, अब ऐसे ही आ गया होगा, ठीक है मैं लिखते जा रहा हूँ इसका कोएफिशिएंट कितना आया -7 आया इसका आंसर, जब -1 इंटू -6 था तो यहाँ पर आंसर कितना आया सिंपल सा 6 आया, कैसे हो रहा है ये भी हमको पता है ना, ये भी हम लोगों को पता है कि कैसे हो रहा है। फिर सिमिलरली जब -2 और -5 आएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि हमने एक्स स्क्वायर को निकाला होगा और एक्स की बार 5 को निकाला होगा, और एक्स एक्स की बार 6 ये अपने आप अंदर होंगे, हमने एक्स स्क्वायर को निकाला तो कितना घुस गया -2, जब एक्स की बार 5 को निकालेगा तो क्या निकलेगा, तो क्या बच गया -5, तो 5 इंटू 2 सॉरी -2 इंटू -5 कितना होगा 10, राइट, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बस सिंपल इतनी सी बात है, ये बोलना चाह रहे हैं इतनी देर से, सही है। तो इसमें कोएफिशिएंट कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ये आ गया यहाँ पे, इसमें कितना आएगा 10 आएगा, फिर -3 -4 तो इसकी वजह से कोएफिशिएंट कितना आएगा 3 इंटू -3 इंटू -4 12, राइट, बढ़िया। अगर मैंने यहाँ लिख दिया -4 इंटू -3 तो यहाँ पे हो गया रिपीट, रिपीट कैसे हो गया कि पहले एक्स की बार 4 को निकालो या एक्स क्यूब को, उससे क्या फर्क पड़ना है, सही बात है, ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर जिससे कि तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब को पहले निकालो फिर एक्स की बार 4 को निकालो, ये बोला है एक्स की बार 4 को पहले निकालो फिर एक्स क्यूब को निकालो, ऑर्डर का कोई लेन देन ही नहीं है इसके, है ना, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल चीज चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब दो वाले केस तो सारे हो गए, अब मैं तीसरे वाले केस पे आया, अब तीन वाला केस कैसे सकता है, बेसिकली तुम 7 ही तो निकाल रहे हो ना, ले देकर तुम्हें -7 करना है, तुम्हें तीन तरीके मतलब तुम्हें तीन चीज़ें निकालनी है इसकी तरीके से, तो तुम एक निकालोगे मिनिमम, मिनिमम एक तो निकालेगा ना, तो -1 तो करेगा करेगा सही है ना, -1 तो करना ही करना है, इसके बाद क्या कर सकते हो, अब तुम 1 तो माइनस कर नहीं सकते, तो यानी कि बेयर मिनिमम तुम क्या माइनस कर सकते हो -2, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि तुम -1 -2 कितना होता है -3, तो अब तुम्हें -4 करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा -7 बनेगा, तो सबसे पहला केस यही हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा, -1 -3 है ना, अभी 2 की जगह 3 बढ़ा दिया यहाँ पर, यहाँ अभी 2 वाला देखेंगे अभी क्या क्या बन सकता है उसमें, यहाँ 1 लिया यहाँ 3 लिया, अगर यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर 3 ले लिया तो उससे क्या होगा, यहाँ पे 3 लेते ही ये बनेगा -1 -3, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा -4, और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए फिर से -3, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल।
अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैंने यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे -2 लिखता, तो अरे यहाँ -2 लिख दे तू, तू यहाँ -2 लिख दे, ठीक है, उससे क्या हुआ, -2 लिख दिया, अब फिर से मेरे दिमाग में आएगा सबसे छोटा कौन सा ले सकता हूँ, तो -1, फिर वही हो गया -4, तो चाहिए लो सेम ही तो है गाइस, राइट। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ऐसे लिखने का, तुम कोई एक को पकड़ के लिखो सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे वाला लिखते हैं -1, अब -2 -3 यहाँ लिख दिया मैंने -4 फॉलोइंग द पैटर्न, तो -1 -4 कितना हो गया -5, तो तुम्हें यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा -2, और ये तो सेम है, ये तो सेम है, तो इसको मैंने हटा दिया, अच्छा जी, फिर -1 -5 ये कितना हो गया -6, तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा -1, ये क्या हो गया रिपीट हो गया, और हमारे पास 1 सिर्फ एक है, ये भी तुम देख रहे हो सिर्फ एक दिया है उसने, तो ये भी हमारा काम तमाम कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है -1 -6, ठीक इतना हो गया -7 हो गया, ये तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी, बस इसके आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि -1 -6 कितना होता है -7, तो ये तो हो चुका, और ये तो केस ऑलरेडी काउंट कर लिया ना हम लोगों ने, ठीक है, तो बस ये 3 वाले में आएगा ही नहीं, राइट। और इसके आगे क्या होगा -1 -7, तो वो तो अपने आप ही आ गया है ना, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसका, तो राइट। तो ये हमारा यहाँ पे एनालॉजी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट आई होप सो तुमने खींच लिया होगा, राइट। तो सब कुछ हटा फटा के सिर्फ और सिर्फ ये केस बना एकलौता, फिफ्थ केस ये बचा हमारा ये वाला, इसमें क्या आंसर आएगा -1 इंटू -2 इंटू -4 कितना हुआ 1 इंटू 2 है ना, फिर 2 इंटू -4 यानी -8, तो इसमें कितना आएगा -8 आएगा कोएफिशिएंट, राइट। तो जब मैंने सारे के सारे केसेस ले लिए, अच्छा केसेस का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, जब तुम सब कुछ मल्टीप्लाई कर डालोगे तो ये सारे के सारे एग्जिस्ट आ जाएंगे ना, तो ये सारे के सारे होंगे, सबके सब होंगे, मतलब ऐसे मान लो शादी चल रही है, सबके सब मेहमान है उसके अंदर, तो एक -7 लेकर घूम रहा था मेरा, एक मेरा +6 लेकर घूम रहा है, दूसरा मेरा +10 लेकर घूम रहा है, तीसरा +12 लेकर घूम रहा है, और पांचवा जो है वो -8 लेकर घूम रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल कोएफिशिएंट होगा उसका। तो इसका आंसर कितना हो गया 6 + 10 + 12 यानी कि 22 28 हो गया, फिर हो गया 20 20 में से 7 हट गया, 13 आ गया आंसर इसका, 13 इज द फाइनल आंसर। अ वेरी 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 की बार इन्फिनिटी क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया मजा आ गया करके, मतलब डेफिनेटली काफ़ी दिमाग चाहिए इसके लिए, और मेरे सबसे शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है, पर इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये वही है कि अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो छोड़ दो, ये और क्या है, ये कह सकता हूँ इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं, है ना, मैं तो पूरी कोशिश कर दी भाई, जब 17 मिनट लगाए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन समझाने में, राइट। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जब तुम पूरा बना फिर से रिवाइज करोगे ना एक बार स्टार्टिंग से एक बार, तो फिर से शायद तुम्हें फिर से चमकने लगे, है ना, कभी तो चमक ही जाएगा यार, टेंशन मत ले, आगे टाइम तक तो चमक ही जाना है, इतनी मेच्योरिटी आ जाती है, अभी एकदम से मेच्योर नहीं होते तुम, बाइनोमियल फॉर्म में तुमसे लगता है क्या आ गया ये, खैर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन दिस थिंग, अब तुम यार ये वाला अपने आप ट्राई करो, अगर तुम्हें पहला वाला समझ में आ गया तो तुम अपने आप ट्राई करके देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा, अब तो रफली सॉल्व करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री होगी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, यानी कि 1 + 2 + ऐसे करते करते 12 तक, राइट, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 12 × 13 / 2 यानी कि हाँ हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया, है ना, 78 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो 78 इज़ अ डिग्री, और तुम देख पा रहे हो उसने एक्स की बार 70 पूछा है, अब एक्स की बार 70 और 78 तो बहुत पास के पास है, राइट। तो 78 में से अगर मैं -8 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर 70 मिल जाएगा, तो पहला कोएफिशिएंट कितना होगा बोलो, पहला कोएफिशिएंट कह रहा हूँ, मतलब सबसे पहला जो केस है उसके हिसाब से हमारा कोएफिशिएंट कितना होगा -8, राइट। फिर क्या बन सकता है 78 माइनस, ठीक है, अब मैं दो दो वाले बनाऊंगा तो वो शुरू होगा 1 से, तो -1 -7 सही है, इससे मेरे को क्या मिलेगा, फिर से वही 70 मिल जाएगा बड़े आराम से, तो इससे क्या बनेगा -1 × -7 कितना होता है 7, तो यहाँ पे आ गया सिंपल सा 7। फिर क्या आएगा 78 - 2 - 6, ठीक है, इससे मेरे को क्या मिलेगा 8 नहीं सॉरी सॉरी 2 × 6 तो 12 होता है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 12 हो गया। फिर 78 यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -5 यानी कि 15, सही है, बढ़िया। अच्छा जी इसके बाद क्या, मैं इसके आगे जाऊँगा, बिल्कुल -4 - -4 क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि दो चार नहीं है अपने पास, सिर्फ एक चार है ना, एक्स की बार 4 - 4 सिर्फ एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या आएगा 78 - 5 - 3, अब ये यहाँ से रिपीट होने लगेगा तो मैं इसके आगे जाऊँगा ही नहीं, ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी क्रॉस लगा दे रहे हैं, अगर तुम स्क्रीनशॉट खींच रहे हो तो ज़रा अच्छे से आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है, बढ़िया। अब मैं 3 दिन वाले केस बनाऊंगा, 3 दिन वाले की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से शुरुआत होगी, 1 से, फिर उसके बाद सबसे छोटा 2, तो 1 और 2 तो आ गया यहाँ पर, 1 और 2 आते कितना हो गया ये 3 हो गया, तो बस मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अच्छा अब तुम फिर से समझ गया, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँगा तो 2 है ना -2 - 1 - 5 ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ओके ऑलराइट, सही है। तो अब यहाँ आ जाएगा 78, इसके अलावा और क्या बन सकता है, चलो एक और इसको बढ़ाते जाओ 3, अगर तुम यहाँ 3 ले लेते हैं यहाँ तो तुम्हें 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या ये केस पॉसिबल है, हाँ ये केस पॉसिबल है, इससे मेरा कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 इंटू 2, ठीक है 2 हो गया, फिर 2 इंटू -5 -10 आ रहा है,
इसकी वजह से मेरा कोफिशिएंट कितना आएगा, -3 × -4 = 12 हो गया, यहाँ हो गया -12। इसके बाद कुछ आएगा क्या, 78 - 1 - 4, ये हो गया -5 - 5 - 3, ये तो सेम ही हो गया ना यार, ये तो सेम हो गया। अच्छा 78 - 1 - 5 - 3, सॉरी -2, ये भी इसके साथ सेम हो गया ये तो, राइट। फिर क्या आएगा 78 - 1 - 6, कितना हो गया -7, फिर तो चाहिए तो मैं -1, तो ये भी हमारा अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ सकता है, इसके बाद आएगा 78 - 1 - 7, ऑल राइट, -7, और यही हमारा सारा गेम खल्लास हो गया, क्योंकि ये इसने ऑलरेडी अपने आप ही -8 कर दिया, तो हम एक और टर्म ला ही नहीं पाएंगे, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद 3 का बनेगा ही नहीं। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4 वाला तो ये जा ही नहीं रहा, 4 में क्या दिक्कत थी, जैसे पहला वाला था हमारे पास 210 था और तुम्हें चाहिए था 203, तो तब मैंने मतलब -7 जब किया था तो 4 वाला मैंने तुम्हें समझाया नहीं था, तो अब तुम सोच के देखो ना लॉजिकली, 210 है, -1 मिनिमम -2 करेगा, फिर उसके बाद मिनिमम -3 है अपने पास, इससे कितना हो गया, ये -6 तो ऑलरेडी हो गया यार, इसके तुरंत बाद सिर्फ -4 ही कर सकते हो तुम, समझ रहे हो ना, 4 के लिए तुम्हें इतना दूर जाना पड़ेगा अगर तुम 4 टर्म्स माइनस कर रहे हो, और वो मतलब वो ऑब्वियसली -7 को पार कर चुका कब का, वो इससे ज़्यादा माइनस हो गया, ठीक है। तो 4 वाला केस इसलिए पॉसिबल नहीं है, 5 वाला तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना 6 वाला पॉसिबल है, ना 7 वाला। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूँ तो 78 है, 78 में से अगर मैंने 1 माइनस किया, बेयर मिनिमम 1 तो करेगा भाई, -1 में से x हटा दिया तुमने, फिर x² हटा दिया -2, फिर -3 हटा दिया, फिर -4 हटा दिया, तुम देख सकते हो क्या ये -8 है, नहीं उससे बड़ा है ये तो, अरे देख ना ये -3, ये -3 6 10 हो गया, राइट। इसलिए हम लोग 4 वाला केस भी नहीं कर सकते, ऑल राइट। तो बस यही कोफिशिएंट बने ले दे करके, तो इन सबको जोड़ दिया जाए, तो -8 + 7 - 1 - 12 - 1 - 11 - 11 + 15 है ना, 11 + 15 हो रहा है, अच्छा 11 - 10 तो 1 हो गया, फिर यहाँ हो गया 3 4 आ गया आंसर इसका, ठीक है। बस फाइनल आंसर कितना हो गया, 4 इज़ अ फाइनल आंसर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आई होप सो तुम्हें मज़ा आया होगा कि क्या गजब की चीज़ थी है, ठीक है। लेकिन अब तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, ये तो एक था जिसमें हमारा डिग्री जो था वो हर बार क्लोज आता था, अब एक क्वेश्चन बोले देते हैं जिसमें पास है, अब मैं उसका सिर्फ एक ले रहा हूँ क्योंकि अब तुम समझ गए इसका, तुम फील तो तुम्हें समझ में आ ही गया ना, मतलब एक फील के लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए। अब थर्ड वाला देखो, इसकी पहले डिग्री निकालो जो हर बार हम लोग करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, तो एक्सी बार यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते करते 100 तक है, राइट। तो 1 + 2 + ऐसे करते करते 100 तक जाओगे तुम डिग्री निकालने के लिए, तो कितनी आएगी 50-50, अपने को पहले से याद है वैसे, तो फिर भी चलो दिखा देते हैं, 100 × 101 / 2, ये हो गया 50, 50 × 101 कितना होगा 50-50, ये तो याद कर लो, सही ना, 1000 जाता है 500 500, इस पता नहीं तुम कर सकते हो इस टाइप की चीज़ें, फिलहाल 50-50 आ रहा है, तो डिग्री इसकी है 50-50, सोच पा रहे हो, 5050, 5050, और तुमसे मांगा क्या उसने, उससे तुमने बेचारे ने मांगा एक्सी पर 9, इतना नादान सा 9 मांगा है उसने, राइट। तो कोई कोई बिल्कुल तुम्हारे पास वो नहीं है इसका, राइट नहीं है कि तुम इसको पूरा भाई साहब ऐसे करेंगे कि भाई साहब 50-50 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि 9 बन जाए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर तुमने किया तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि कोई नहीं करने वाला है ना, 5041। अगर इसके पार्टीशन करने बैठे ना, जो भी तुम कर रहे थे 7 का तुमने किया, फिर उससे पहले 8 का किया, पागल हो जाओगे करते करते, 5041 है भाई साहब, कितने केस बनेंगे खुद सोच के देखो, तो इसका तो उल्टा खेलना पड़ेगा। अब तो मैं निकालूंगा इसी एक्सी बार 9, अब तो मैं सीधे खेलूंगा ही एक्सी बार 9 के लिए, सीधी बात ये है, ऐसे करना है इस वाले को। तो तुमने पहले डिग्री निकाली, तुमने अपने आप देख लिया यार एक्स की बार 9 तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार इसमें, तो अब तुम सुधर गए, तुमने सोच लिया भाई सही है, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में कि अब करूँ क्या, मतलब क्या सोच के करूँ। तो सुनो यहाँ पर हमारे पास है क्या, एक्चुअल में हमारे पास है 1 + x, सही है, फिर हमारे पास है 1 + x², उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास है 1 + x³, फिर ऐसे करते हुए आएगा हमारे पास 1 + x⁴, है ना, फिर आएगा 1 + x⁵, और ऐसे ज़्यादा जाएगा x⁵100 तक। क्या मुझे मतलब है x⁵100 से, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है मेरे को तो मतलब ही नहीं, मैं तो उसका कांस्टेंट चुराने वाला हूँ। अगर तुम देखो कि कांस्टेंट टर्म उसने तक प्यारा दिया है ना, कि दिल खुश होने वाला प्यारा दिया उसने, 1 1 1, अगर तुम पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म ही निकाल लो तो 1 ही आएगा, वो मतलब 1 × 100 आएगा, यानी कि 1 आएगा, समझ रहे हो कितना सही गेम खेल गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर अगर वो 1 2 3 4 देता तो फिर भी टाइम लगता, यहाँ तो खेल ही करता मैं, कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो x⁻ से आगे की तो बात ही नहीं करनी है, मतलब क्या है इसका, मैं सारे के सारे लिख देता हूँ हमारे सामने, 1 + x 1 + x² सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं लिखूँगा, इतना आलसी हूँ मैं यार। 1 + x⁻ तुम खुद दिमाग लगा कर के सोचो, 1 + x⁻ अगर तुमने गलती से भी, मानो तुम यहाँ से ला रहे थे 1 × 1 × 1 × 1 ऐसे करते करते तुम ला रहे थे 1, तो ये होना था 1 × 9 तक हो चुका था, तो बेसिकली 1 हो चुका था। तो 1 जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 1 × 10 से, तो तुम्हारे पास एकदम से आ जाएगा 1 × 10, पर तुम्हें रिक्वायरमेंट कितनी 1 × 9 की, तो तुम्हें आगे जाके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × -1 से, और तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि 1 × -1 कभी भी नहीं मिलने वाला इसको, है ना, एंटी मैटर नहीं है ये, ठीक है ना, ये पैरेलल यूनिवर्स है कि 1 × -1 इसको मिल जाएगा, सही है ना।
तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। तो एक्सी बार 10, एक्सी बार 11, ऐसे करते करते एक्सी बार 100 तक सब बेकार है मेरे लिए। मेरे लिए तो दुनिया ही सिर्फ एक्सी बार 9 तक है, बाकी सबके तो कॉन्स्टेंट है। बाकी सबके लिए तो मैं कॉन्स्टेंट नचवा लूंगा। मैं बताऊँ कैसे, सुनोगे? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी बात है। देख, 1+x तक, 1+x से लेकर के 1+x की पार 8 तक, ठीक है, फिर आएगा 1+x की पार 9। सुन लेना, 1, फिर 1+x² के लिया मैंने 1, फिर 1+x³ का लिया मैंने 1, और ऐसे करते करते मैं 1+x की पार 8 से भी मैंने लिया 1, तो मेरे पास सिर्फ 1 चल रहा है अभी तक। फिर 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x की पार 9 से, तो मेरे पास एकदम से आ गया x की पार 9। अब मैंने इस x की पार 9 को फिर से बाकी सबके सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 1+x की पार 10 है इसके आगे। और ऐसे करते करते सब सबके मैंने 1 ही लिए x की पार 100 तक, सिर्फ 1 लिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ 1, 1, 1, 1, 1, सबके 1 1 ले लिए। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, x की पार 9। तो अब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। सही है। तो जब हमारा केस 1 है, जिसमें मैंने ये तरीका अपनाया x की पार 9 निकालने का, मैंने ये तरीका अपनाया, उससे मेरा आंसर कितना आ रहा है, सिंपल सा 1 × x की पार 9, बेसिकली कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब केस 2 से सोच के देखो तुम, केस 2, केस 2 में क्या हो सकता है भाई, 9 को तो मैं ऐसे लिख सकता था ना, 1+8, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+8। तो अब मैंने क्या करा, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या करा। अब मैंने चूज़ किया एक्स को, ठीक है, एक मिनट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्स को चूज़ किया, मैंने एक्स को चूज़ किया, फिर एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा 1+x² उसमें से मैंने अभी भी 1 लिया, फिर 1+x³ जो है उसमें से भी मैंने सिर्फ 1 ही लिया। अरे तुम, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत अपना दिमाग लगा रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगा रहा भाई, अरे ये तो बहुत ही प्रोसीजरल क्वेश्चन है यार। देखो, जो पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें मैंने तुम्हें सब समझा दिया, अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। पहले मैंने क्या किया, 9, फिर क्या लूंगा मैं 1+8, फिर क्या लूंगा मैं 2+7, फिर क्या लूंगा मैं 3+5, सॉरी 3+6, फिर कौन सा लूंगा मैं 4+5, फिर कौन सा लूंगा 5+4, जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिपीट हो जाएगा। फिर वो 3 वाले केस बनाऊंगा, 4 वाले केस बनाऊंगा, वही करने वाला हूँ, सेम चीज़, समझ रहे हो ना। अब 1+8 कहाँ से आएगा, एक एक्स ले ले, एक एक्स की बार 8 उठा ले, बाकी सबसे क्या ले ले, 1 1 1 1, जो समझ गए वो समझ गए, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना इस टाइम पे, ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ना इस टाइम पे, ये ऐसी चल रही है जो हर किसी के लिए नहीं है इस टाइम पे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हर किसी को नहीं समझ में आने वाला है, पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। सो 1+x की पार 4 ऐसे आएगा, तो ये 1 1 मैंने सबके ले लिया उठा के। और जब मैं ऐसे करते करते आगे पहुंचा, 1+x की पार 7 तक भी मैंने 1 उठाया, और फिर मैंने यहाँ आके x की पार 8 को उठा लिया। उससे हुआ क्या, मेरा अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक मेरा एक्स चल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्स उठाया था। अब ये एक्स जो है, ये x की पार 8 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इससे मेरा बन गया ओवरऑल x की पार 9 बन गया। अभी x की पार 9 फिर से मैंने क्या करा, 1 1 1 ऐसे करते करते 1 तक उठा लिया, तो नेट क्या बना, फिर से क्या बन गया, x की पार 9। इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तुम्हें समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? अबे हर एक बंदे का 1 ही बनना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का 1 के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, तुम देख लो। अरे 1+1 तो कभी होना ही नहीं है, 2 तो कभी होगा ही नहीं ना, 3 होगा, हर बार 1 ही 1 मल्टीप्लाई होता रहेगा अपने आप में। तो कोफिशिएंट तो हर बार 1 आना है मेरे को। अल्टीमेटली काम क्या करना है मेरे को, हर बार बस केसेस निकालने, नंबर ऑफ केस निकाल ले बस। तू तो सही है, तो अब बस मजा आ जाएगा अब तो, क्योंकि अपन लोगों ने प्रैक्टिस ये चीज नोटिस कर ली। सही है, तो 9 कैसे बन सकता है, 1 तो 9 ही बन गया, इससे मेरे को एक पहला कोफिशिएंट मिला 1। फिर एक क्या तरीका था कि मैं 1+8 ले लेता, यानी कि मैंने एक्स ले लिया, चलो ऐसे लिख दो x की पार 1 x की पार 8, ये क्या लिया मैंने x की पार 9, तो इससे मेरे को कोफिशिएंट क्या मिल गया, फिर से 1। सही है, फिर सुनो और क्या ले सकते हैं, हम ले सकते थे x² और हम ले सकते थे x की पार 7, हम ले सकते थे x³ और हम ले सकते थे, एक मिनट, ये मैं मल्टीप्लाई करना चाहिए था, एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जो लोग समझ नहीं पाए वो ऐसे लिखे, मैंने तो सीधे सीधे तो मैं ऐसे लिख सकते ना, 1+8, ठीक है, फिर क्या है 2+7, फिर क्या है 3+6, फिर क्या है 4+5, इसके बाद क्या रहेगा 5+4, ब्रैकेट में लिख लिया रिपीट, रिपीट टेलीकास्ट, राइट। तो ये हमारा केस गलत हो गया, ठीक है, तो यहीं तक चले हम लोग। तो ये हो गया x की पार 4, x की पार 5, हाँ हो गया x की पार 6 तक। इन सबसे भी हमें क्या कोफिशिएंट मिले, सिर्फ और सिर्फ 1 मिला, 1 1 1। कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5, एक तरीके से अभी तक का अगर मैं कोफिशिएंट देखूंगा तो 5 चल रहा है। पर अब तुम्हें भी पता है कि 3 केस बन सकते हैं, सॉरी 3 केस कह रहा हूँ, 3 में भी तो बन सकता है ना 9 तुम्हारा। कैसे, देखो बेयर मिनिमम 1 तो उठाएगा, फिर बेयर मिनिमम 2 उठाना पड़ेगा, फिर अब क्योंकि 1 भी गया 2 भी गया, अब बेयर मिनिमम कितना उठाना पड़ेगा, 3, नहीं बेवकूफ, अरे 1+2 कितना होता है 3, तो 9 के बाद कितना उठाएगा 6, समझ गया? अरे यार समझ में नहीं आती ना एकदम से बात, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिर सुनो अब क्या करेंगे, अब 3 उठा लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने 3 उठा लिया तो 1+3 कितना होता है 4 होता है यार। अब 4 अगर हो चुका है तो सिर्फ क्या बचा 5, फिर क्या होगा 1+4, 1+4 अगर हो गया, 1+4 अगर मैंने उठा लिया तो 5, अब तुम 11, ये 5 बन गया तो यहाँ पे चाहिए तुम्हें 4, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो गया। फिर 5 उठा लो, चलो चलो 5 उठा के देखते हैं, तो यहाँ पे 5 उठाया तो 6 हो गया, तो हम तो अब तुम्हें 3 चाहिए, तो ये तो सही बैठ रहा है, ये तो सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा था। अच्छा एक मिनट, 1 3 5 और 1 5 3, ये तो रिपीट हो गया, तो ये भी गलत हो गया, राइट। सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं अभी तक हमारे, 1 2 6 एंड 1 3 5। अच्छा इनकी हेल्प से भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, इन दोनों की हेल्प से भी 1 आ गया। तो अभी तक कितना आंसर आ गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा अभी तक का आंसर आ चुका है। अच्छा इसके बाद कोई उम्मीद दिख रही है क्या तुमको, मेरे को थोड़ी सी शायद दिखे, तो ये 7 आ गया, तो अब अगर 1 6 आ गया यहाँ पर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये फिर से रिपीट हो गया, तो ये भी हमारा नहीं अलाउड होगा यहाँ पर। फिर क्या सकता है, 1+7 आ जाए,
अगर 1+7 आ गया तो ये 8 हो गया, अब यहाँ पे तुम्हें 1 चाहिए तो ये तो रिपीट रिपीट हो गया, काम खत्म। फिर अगर तुमने ले लिया यहाँ पे 1+8 तो ये ऑलरेडी 9 हो गया, तो अब तुम्हें यहाँ पे +0 करना पड़ेगा और वो हमारे पास है नहीं, तो ये भी गया काम से। और अगर तुमने गलती से भी 1+9 कर दिया, दैट इज ऑलरेडी अ बुलशिट, तो ये तो पहले खत्म हो गया। ऑल राइट, खत्म मामला, 3 के भी सारे केस निपट गए। अब 4 पे आते हैं, अब 4 पे आते हैं, 4 पे देखो भाई साहब, 1+2+3+4 कितना हुआ ये, 1+2 3, 3+3 6 और 6+4 ये तो 10 हो गया सीधे सीधे। तो यार 4 में तो कोई केस हो नहीं सकता है ना, तो 4 वाला हमारा कैंसिल हो गया। एक मिनट, हमने 3 वाले में वो वाले केसेस नहीं लिए इस बार, एक मिनट, चलो तो 4 वाला तो अभी हटाते हैं। पहले 3 वाले को मैंने तुम्हें वो वाला केस नहीं समझाया ना कि अगर मैंने 2 को इधर ले लिया तो क्या होगा। अगर इस बार मैंने 2 को इधर ले लिया, अगर इस बार मैंने 2 को इधर ले लिया, देखो अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 वाले लिए, तो मैंने 2 इधर ले लिया, तो अगर मैंने 2 ले लिया तो तुम्हें बेयर मिनिमम 1 इधर लेना पड़ेगा, राइट। अगर तुम्हें 1 इधर लेना पड़ेगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास 3 है तो ये डेफिनेटली रिपीट हो जाएगा, तो तुमको 6 आ गया, तो ये तो काम तमाम हो गया। अभी तक हम कभी भी इसके आगे मैंने बोला नहीं है, उसका रीज़न ये होता था क्योंकि अगर तुम इसके आगे जाओगे तो तब भी तुम्हें निराशा ही मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर तुम इसके आगे थोड़ा और जाते हो तो तुम 2+2 तो करोगे नहीं, तो तुम 2+3 कर सकते हो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें एक नया राह दिख जाएगी, क्योंकि 2+3 कितना होता है, 5 होता है, और 5 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड दिस इज अ केस, राइट। तो इसकी वजह से मेरे को एक और 1 मिल जाएगा। आपको मिलेगा इसके आगे तो 2+4 ले लेगा, तो 3 आने वाला है। अगर मैंने 2+5 ले लिया तो ये 7 बन गया। अब ये 7 बन गया तो यहाँ पे तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगेन, ठीक है। अच्छा 2, 4, 3 तो इधर रिपीट ही हो गया यहाँ पर, तो ये तो कट गया अपने आप। अच्छा उसके आगे क्या, तो उसके आगे 2+ इसके बाद कोई सोचेगा 6 ले लो, तो 8+1 तो ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ये 1 वाले केस में सारे के सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2+7 तो उससे ऑलरेडी 9 बन जाएगा, तो वो भी हमारा अलाउड नहीं है, राइट। तो ये भी गया। अब ऑब्वियसली बात है कि हर एक के दिमाग में गया, अब तो फिर हम 3 के लिए भी लेंगे, ठीक है। चलो 3 के लिए भी तुम्हें करके दिखा देते हैं। तो अगर 3 के लिए सोचा, तो 3 अगर तुमने ले लिया, इसका तुम बेयर मिनिमम 1 लोगे, उसके बाद तुम बेयर मिनिमम क्या लोगे, भाई 4 हो चुका है तो तुम्हें यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे 1 आ चुका है, 1 वाले सारे केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे अब, सही है। फिर क्या आएगा, 3+2, अब 2 आ गया, तो अब 2 वाले भी सारे केसेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये भी खत्म। फिर 3+3 तो कर नहीं सकते, तो 3+4 करना पड़ेगा। अगर 3+4 कर दिया तो ये 7 बन गया, तो फिर से 1 आ गया, तो ये भी हम नहीं कर सकते। फिर 3+5 आ गया, अगर 3+5 ले लिया तुमने तो यहाँ 8 बन गया, फिर से 1 आ गया, ये भी नहीं गया, ये भी गया काम से। एक मिनट, ये वाला नहीं गया, 3+4+2 हो गया, ये वो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि 2 आ गया यहाँ पर, तो हम केस ऑलरेडी कवर्ड है। फिर अगर मैंने यहाँ ले लिया 3+6 तो ये ऑलरेडी 9 बन गया, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम्हारे मामले में मान लो 4 भी चल रहा है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी करता हूँ, काम तुम्हारा तुम्हारा मानो 4 आ गया, तो अगर तुमने 4 के लिए सोचा तो 4 के बाद क्या आएगा भाई साहब, चलो 1 ले लो तुम, तो अच्छा 1 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने को पता है 1 वाले केस सारे हो चुके हैं, 2 वाले केस भी सारे हो चुके हैं, 3 वाले केस भी सारे हो चुके हैं, 4 ले नहीं सकते दोबारा, तो सीधे 5 से शुरुआत होगी, और 4+5 कितना होता है, 9 होता है, तो पहले ही सारा काम तमाम हो गया। अच्छा अगर मैंने 5 वाला केस बनाया तो 5 के बाद तुम क्या लेना पड़ेगा, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, उसके बाद 6 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो तुम समझ गए इसके आगे वाले सारे केस खराब हो गए, ठीक है। एक काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में तुमने समझाया नहीं कभी भी कि 2 के आगे वाले केसेस के लिए, तो जो मैंने अभी समझाया है वो तुम ये ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें तुम अपने आप दिमाग लगा करके सोचो, अभी तुम्हें बता भी दूंगा। खैर अभी हमारा अगर अभी तक क्या देखेंगे, तो हमने सारे केसेस एनालाइज कर लिए और टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं जरा तुम्हें बता दूँ जो किसी एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, एक मिनट। हाँ चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, इसमें जो मैंने बनाया था, मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट थी, एक्सी बार 78 बन गया था, राइट। तो बेसिकली हमें 78-8 = वो करना था, 70 बन रहा था, तो इसमें कितने केस बने थे, इसमें एक तो 8 बन गया था, है ना, एज आई रिमेंबर इसमें कितने केस बने थे, इसमें एक तो 8 बना होगा, एक -1, -6 बना होगा, नहीं सॉरी -1, -6 वाला तो दूसरे था, इसमें बनेगा -1, -7, फिर कौन सा बनेगा, -2, -5, -3, -1 मेरे दिमाग में बार बार 7 क्यों चल रहा है, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा -4, यहाँ पे आएगा -4, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, इसके बाद आएगा -5, -3, दैट विल बी अ रिपीटेशन, तो ये अलाउड नहीं होगा हमारे पास डेफिनेटली। तो 4 केस तो ये वाले बन रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें आ गए थे, तो आ गया था 1, फिर बेयर मिनिमम 2, उसके बाद क्या आएगा भाई, 3 हो गए तो 5 करना पड़ेगा, ये समझाया था। फिर 1, अब 1 वाले में सारे केसेस मैंने ले लिए थे, जब सारे के सारे ले लिए थे तो सिर्फ और सिर्फ ये बन रहे थे, तो 1 वाले सारे केस एग्जॉस्ट हो गए। अब 2 की बात करते हैं, तो जब 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 2 के बाद बेयर मिनिमम क्या लोगे, 1, जैसे ही बनाया तुमने क्या देख लिया भाई, 1 वाले केस तो सारे के सारे ले लिए तुमने, तो ये तो तुमने पहले ही काट दिया देखते ही। फिर अब तुम 2 के बाद 2 तो ले नहीं सकते, तो तुम्हें 3 लेना पड़ेगा, अगर तुमने 3 ले लिया तो 2, 3 कितना होता है, 5, इसके बाद क्या आएगा, तुरंत 2 आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। फिर क्या आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, कितना हो गया, 6, फिर से क्या आ रहा है, 2,
हाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 और 3 5 है यहाँ पर, तुम्हें चाहिए। अच्छा यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो दोनों केसेस में गड़बड़ हो रही है। फिर 2 और 5, अब यहाँ पे आएगा 1। 1 वाला केस हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद क्या आएगा, -2 -6, और ये तो अपने आप में सफिशियंट है -8 बनाने के लिए। तो मैं दूसरे टर्म के लिए 0 चाहिए होगा, वो भी हमारे पास नहीं है। तो 2 वाले सारे केस भी हो गए। मैं तुम्हें ये जो था ना सेकंड क्वेश्चन उसको समझा रहा हूँ कि अगर उसमें मैं 2 तक आगे जाता तो क्या होता, क्योंकि मैंने समझाया नहीं था वो जल्दी जल्दी में। अब मैं 3 ले लेता हूँ, अगर मैंने 3 वाला ले लिया तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम ये लिख सकते हो नोट बना करके कि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं पूरा एनालाइज करूँ, वरना कि अगर तुमने अभी तक नोट्स ना बनाए हो तो तुम ऐसे पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक केस को, क्योंकि पेपर में ना बहुत डर लगता है। पेपर में क्या लगता है कि यार सब कुछ हो जाए यार, काश कि सारे केस आ जाएँ अपने पास, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना सिंपल सा है यार, इसमें कोई टाइम थोड़ा लग रहा है, कोई तुम्हें समझाना पड़ रहा है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अगर तुम अपने आप करने आओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सिंपल से पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, कोई टाइम थोड़ा लग रहा है इसमें। तो -3 है, -3 के बाद मैं 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, तो 4 से शुरू करूंगा तो आएगा -1। पहले ही काम तमाम हो गया इसका तो। और अगर तुमने -3 -5 ले लिया तो फिर काम तमाम, क्योंकि भाई -3 -5 दैट्स नॉट पॉसिबल, -8 तो ऑलरेडी बन गया, तो -0 चाहिए तुम्हें, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर मैंने -4 से शुरू किया तो मैं 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 4 4 रिपीट हो जाएंगे। तो मैं 5 से शुरू करूंगा, या तो -9 बन गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। अब तुम चाहे -5 ले लो चाहे 6 ले लो, सब में यही बनने वाला है, सब 8 से बड़े हो गए। तो यहाँ से सारे केस कट गए, इसलिए मैंने ये वाले केस का नाम ही नहीं लिया, मैंने बस यहीं तक लिया। ये मेरी गलत बात है, मुझे सारे के सारे लेने चाहिए थे। तो हो सकता है कुछ बच्चे बेचारे कन्फ्यूजन में मर गए उस चक्कर में कि इन्होंने 2 वाले केस क्यों नहीं समझाए। अब तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई ना तुमको, ठीक है। तो अब मेरा क्या प्लान है यहाँ पर कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी तुम्हें पूरा समझाना है, 1 से लेकर 2 3 4 सारे केसेस समझाने, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी। तो ये तो हमारे सारे के सारे हो गए। आई होप सो तुम्हें बहुत भयंकर रूप से कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सही है ना। अगर ये आ गए, ये तो अपने क्वेश्चन है जे एडवांस में, अगर आ गए और आ भी रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बनाया, बल्कि ये वाला जो आया हुआ है ये तुम्हारा उसमें आया है 2015 में आया है, पता नहीं 2000 मतलब आया हुआ है, जे एडवांस में आया हुआ है। अब ये वाला देखते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n 1+y^n 1+z^n द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ डिग्री आर इज ऑल राइट। ये तो बड़ा अलग टाइप का लग रहा है ना, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ डिग्री आर। अच्छा एक और चीज़ है इसमें, चलो समझाते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो ये 1+x है, इसके कितने टर्म्स हैं, इसके n टर्म्स हैं। तो ये लिखा है 1+x ((1+x)) ((1+x)) कितनी बार है ये n टाइम्स, तो यही है सिर्फ। फिर क्या होगा, फिर 1+y, ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है 1+y, कितनी बार है ये भी n टाइम्स है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1+z एंड सो ऑन, ये भी कितने टाइम्स है, n टाइम्स है ना, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स, ये कितने टाइम्स है, एक मिनट एक मिनट, इसको ज़्यादा लंबा खींच गया ना। ये 1+y के टर्म्स यहाँ से शुरू हो गए, ये डॉट डॉट बना दो यहाँ पर, और ये डॉट डॉट, ये भी n है हमारे पास, और ऐसी 1+z के कितने ब्रैकेट हैं, ये भी हमारे पास n ब्रैकेट्स हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री कितनी होगी x(x)) ऐसे करते करते अगर तुम सारे x ले लो तो x^n तो यहीं से आ गया, फिर मल्टीप्लाई होगा y में, फिर आएगा देखो x^n आ चुका है, फिर y है ना, y1, y^2, y^3, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, y^n तक, एंड फिर फाइनली कितना आएगा z^n तक। तो इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, इसकी एक्सप्रेशन की डिग्री है 3n। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं वही काम कर रहा हूँ फिर से। तो मैं लग रहा हूँ ये क्या चीज़ है, और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, इसको मैं इसी तरीके से देखना चाह रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा कि भाई तुझे चाहिए क्या, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ डिग्री आर। सीधी बात ये वो है कि भाई साहब डिग्री आर बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक्स, मानो मैंने 1+x (1+x) ऐसे करते करते मेरे पास इसमें से मैंने अल्फा लिया, मतलब एक्स की बार अल्फा ले लिया, बाकी सब में से मैंने 1 उठाया, मतलब क्या इसका, जैसे मानो मेरे पास मानो 5 1+x लिखे हुए होते, ठीक है, इन्हीं इस मतलब मैंने मान लिया n=5 है, मान लो n=5 है, तो इनमें से मैंने कोई 2 उठाए, तो ये 2 उठा लिया मैंने, और बाकी समय से मैं 1 1 और 1, तो बन गया x का स्क्वायर। तो ऐसी बन रहा है x^अल्फा, ठीक है। सिमिलरली ऐसी अगर मैं y में करूँ तो मैं बना रहा हूँ y^बीटा, और फिर मैं ऐसी बना रहा हूँ z^गामा। तो जो अल्फा और जो बीटा है और जो गामा है, इनको अगर तुम तीनों को सम करोगे तो r आना चाहिए, ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कोई बोलता कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए डिग्री, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ x^2 y³, तो ये डिग्री 5 बन गई। अगर मैं लिख दूँ x^y²(z²), तो तुम देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 5 है, क्योंकि 1 है यहाँ पर, 1+2+2 5, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो फिलहाल अब हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की बन गई यार, हमारी तो ये बन गई ना कि अल्फा बीटा गामा इनका समेशन जो है वो आर के बराबर है, सही है। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ टर्म्स। हाँ, तो तुम्हें बेसिकली इस टाइप के सारे टर्म्स के कोफिशियंट्स का सम निकालना है, बेसिकली तुम्हें कोफिशियंट निकालना है अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि x^2 3 का कोफिशियंट निकाल, ऐसी को यहाँ पे बोल रहा है कि x^अल्फा y^बीटा z^गामा सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आर हो रहा हो, ऐसे जितने भी टर्म्स हैं उन सबके कोफिशियंट का सम कितना होगा, ये पूछ रहा है वो।
सुनने में लग रहा है बहुत ही भयानक क्वेश्चन, पर तुम खुद फिर से सोच के देखो कि इसमें हो क्या रहा है। हर बार आंसर कितना आएगा, वन आएगा, ये समझ पाए? अरे अगर जब मैंने एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स इंटू एक्स हुआ, तो फिर से कोएफिशिएंट कितना है, वन है। फिर क्या आ रहा है, वन वन वन। तो बेसिकली हर बार आने कितने वाला है, वन ही आने वाला है, हर केस में वन आने वाला है। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें बेसिकली नंबर ऑफ केसेस निकालने, तुम्हें नंबर ऑफ केसेस निकालने, कितनी बार ये होगा, है ना, ऐसे कितना कितनी बार होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आ रहा जाए, ठीक। और यहाँ पर ये भी बताएं कि अल्फा जो होगा वो क्या हो सकता है, अल्फा मेरा 0 से लेकर के एन तक हो सकता है। सिमिलरली जो मेरा बीटा है वो भी मेरा 0 से एन तक हो सकता है, और जो गामा है वो भी 0 से एन तक हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, अल्फा बीटा गामा को ऐसा नहीं कि कोई 0.5 0.2 इस टाइप का कुछ हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक्स की बार 2.5 कर दोगे, या तो एक एक्स निकलेगा या कोई नहीं निकलेगा, या फिर दो निकलेंगे या फिर तीन निकलेंगे, ऐसे होगा, समझ गए ना, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें हम लोग, एक टॉपिक होता है बेगर्स मेथड, उसमें पढ़ेंगे इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी, तो इसका कोई लेन देन नहीं है सच, पर पढ़ेंगे वहाँ पर जब PNC में ही हम कराते हैं ये चीज़, तो अभी मैं बाइनोमियल में ही कराऊंगा ये चीज़, ठीक है। पर अब करें क्या, अभी तो सामने दिख रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आर है, डिग्री वैसे इस एक्सप्रेशन की 3n थी। अब मैं करूँ क्या, तो अभी तक जो भी मैंने बोला है वो मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ, जैसे कि हमारा जल्दी से रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस तीन का, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो मैंने बोला यार इसकी भी एन है, इसकी भी एन है, इसकी भी एन है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3n हो गई। ये समझ में आया कैसे, क्योंकि 1 + x 1 + x 1 + x ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं, एन है, तो इन सब में से अगर एक्स 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 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स की बार एन बनेगा। अगर इन सब में से वाई 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 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, वाई की बार एन। अगर इन सब में से जेड जेड मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जेड की बार एन। और ये सब के सब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, एक्स की बार एन इंटू वाई की बार एन इंटू जेड की बार एन। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, एन प्लस एन प्लस एन, 3n। तो डिग्री कितनी आ गई, 3n, पहली चीज़। फिर मैंने क्या बोला, उसने बोला है कि वो टर्म्स के कोफिशेंट का सम करो जिनकी डिग्री आर है। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, मैंने इसमें से मान लो कोई अल्फा एक्स चुन लिए, मतलब जैसे एन हमारे को एक्स दिख रहे हैं, राइट, तो इनमें से कोई अल्फा चुन लो, मतलब जैसे मैंने बोला कि भाई पांच थे तो इनमें से कोई दो ब्रैकेट चुन लो, जैसे पहला वाला ले लिया एक्स, फिर इस वाले का एक्स ले लिया, बाकी सबका क्या ले लिया, वन वन वन, तो क्या बन गया, एक्स की बार 5 में से क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर बन गया, राइट। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, एक्स की बार एन में से मैंने एक्स की बार अल्फा चुन लिए, फिर यहाँ क्या बन गया, वाई की बार बीटा, यहाँ बन गया जेड की बार गामा, और फिर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आंसर कितना आना चाहिए, आर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरा आर जो है वो मान लो 7 होना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मान लो यहाँ हो गया वाई, तो जेड कितना होगा भाई, 2, ये हो गया 1, 3 हो चुका है तो 5, ये सही है ना, एक्स स्क्वायर वाई और जेड की बार 4, इस टाइप से हो रहा है, सही है। अब तुम्हें बताना है ऐसे कितने टर्म्स होंगे, और हमने अभी ये भी देख लिया कि अगर ये जो जितने भी टर्म्स बन रहे हैं इन सबका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, क्यों, यहीं से समझ में आ रहा है भाई, अगर एक्स है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जो तुमने किया तो कोएफिशिएंट कितना है, 1, फिर 1 × 1 × 1, तो फिर कितना आ गया, 1 × x². सिमिलरली वाई में भी मल्टीप्लाई होगा, वहाँ से कुछ आ जाएगा, मान लो आ गया वाई का क्यूब, सही है, फिर ऐसे मान लो आ गया जेड की बार 5, जो भी आ गया उन सबका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो इस हर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। इसलिए अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर ऑफ केसेस निकालना है जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आर हो रहा हो, ये अभी तक हम लोगों ने समझा है। तो यार ओवरऑल तुम्हें समझ में आ रहा है, चल क्या रहा है, तुम सोच के देखो तुम्हें करना ही क्या है, अगर तुम इस पूरे मेस को हटाओ और तुम लॉजिकली ज़रा सोच लो ना तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे भाई, हमारे पास 1 + x के कितने ब्रैकेट हैं, हमारे पास 1 + x के n ब्रैकेट्स हैं, राइट, फिर हमारे पास 1 + y के कितने ब्रैकेट्स हैं, हमारे पास फिर से n ब्रैकेट्स हैं, फिर 1 + z के कितने ब्रैकेट्स हैं, इसमें से भी हमारे पास n ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं इन टोटल कितने ब्रैकेट्स हो गए, 3n ब्रैकेट्स हो गए, अगर इन टोटल 3n ब्रैकेट्स में से, सुन लेना मेरी बात, 3n ब्रैकेट में से मैं r ब्रैकेट चुन लूँ कोई भी, जो तेरा मन वो चुन ले, क्योंकि सब सेम ही है लगभग लगभग, मतलब एक 1 + x टाइप का हो सकता है, या 1 + y टाइप का होगा, या 1 + z टाइप का होगा, 3n में से कोई भी आर चुन ले, तुम चाहो तो सारे के सारे एक्स के एक्स वाले चुन लो, तुम चाहो तो सारे के सारे वाई चुन लो, सारे के सारे जेड चुन लो, या फिर तुम इन दोनों में से ही सारे चुन लो जेड को छोड़ दो, या फिर इन दोनों में से चुन लो, या फिर इन दोनों में से चुन लो, या फिर इन तीनों में से चुनो, सही है, यही केस बनेंगे, जो भी बनेगा हमें मतलब ही नहीं है। हमने क्या करा, हमने 3n ब्रैकेट्स में से कोई भी आर चुन लिए, सिंपल, उससे होगा क्या, मान लो जो तुम्हारा ये मैकेनिज्म है 3NCR, इसमें से मान लो तुमने अल्फा ब्रैकेट इसके चुने होते, बीटा तुमने इसमें से चुने होते, गामा तुमने इसमें से चुने होते, ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता, आर हो जाता। ये बात अलग है, हो सकता है गामा 0 हो रहा हो सकता है अल्फा 0 हो रहा हो, तीनों का भी साथ में 0 नहीं होंगे, ये बात गारंटी है, ये सिर्फ तब होगा जब आर 0 होगा, सही है। तो टोटल कितने ऐसे टर्म्स बनेंगे जिनकी डिग्री आर है, 3NCR, हर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, हर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है ना, ईच टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब समझे, अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि सम निकाल भाई, तो तुम क्या बोलते हो, 1 + 1 + 1 + 1, तो मैं बोलोगे ऐसा कितनी बार हो रहा है, हम बोलते हैं ऐसा 10 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, मैं बोलूँगा ऐसा 3NCR इतने 1 लिखूंगा ये, तो इसका सम का आंसर कितना आएगा, 3NCR, अरे यार 1 + 1 + 1 + ऐसे करते करते
लिख दिया, किसने बोला कितने वन लिखे हुए, उसने बोला 10 वन लिखे हुए हैं, तो हम सीधे नहीं बोलते हैं एन यानी कि 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया ना सीधे सीधे, तो ये कितने वन लिखे हुए हैं 3 NCR, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 NCR, बस यही इसका फाइनल आंसर है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा ये तो गलती से तुम्हारे दिमाग में थॉट नहीं आ रहा ना कि 3 NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ये बेवकूफ़ी मत कर देना गलती से भी, सही है ना, बिल्कुल भी मत कर देना ये वाली। चलो ये भी समझा देते हैं कि ये क्यों नहीं करनी है बेवकूफ़ी, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ गई होगी बेवकूफ़ी ये दिमाग पे ना, कुछ लोगों ने बोला होगा कि अल्फा को मान लेते हैं चलो 2 है मान लो, बीटा को मान लेते हैं कि 3 है मान लो, और मानो गामा की मान लेते हैं कि ये 5 के बराबर है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब और जेड की पावर 5 है, अगर मैं उसको घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा 3, मान लेते हैं ये हो गया 2 और ये हो गया 5, क्या करा तुमने आर फैक्टोरियल का तुम कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो, तुम 2, 3, 5 के कॉम्बिनेशन देखते हो ना, अगर ये 3 है तो कितने बनेंगे 6 फैक्टर, मतलब 6 बन जाएंगे टोटल कॉम्बिनेशन, 3, 2, 5 है ना, 3, 5, 2 एंड सो ऑन, ऐसे 6 बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई बोलेगा सही तो है, देखो ना ये क्या बन रहा, एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर जेड की पावर 5, हाँ ये तो डिफरेंट है, फिर कोई बोलेगा ये देख लो जेड मानो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने वाई की पावर 5 और मैंने लिख दिया जेड का क्यूब, सही तो है, अच्छा हुआ यहाँ पर आर फैक्टोरियल लगेगा, कोई सोच सकता है कोई ऐसा सोच रहा हो, है ना, और बहुत जेन्युइन डाउट है दिमाग में आ सकता है। मैंने कहा सुन एक बात सोच के देखना, यहाँ तो चलो तुमने कर दिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5, अब मान लेते हैं तुमने जब 3 NCR किया तो हो सकता है पहली बार में अल्फा 3 आया हो, बीटा पहली बार में 2 आया हो और गामा पहली बार में 5 आया हो, ये तो 3 NCR ही देख लेगा इतना, तो यार तुम्हें घुमाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब समझ में आया, यहाँ तो तुमने घुमा कर कैसे किया, पहली बार में ऐसा हुआ कि एक्स क्यूब आया, फिर अगला वाई स्क्वायर आया और तीसरा जेड की पावर 5 आया, तो ये और ये केस 2 बार काउंट हो गए, ये हुआ यहाँ पर मल्टीपल काउंटिंग हो गई यहाँ पर, समझ रहे हो ना, उससे डबल ट्रिपल भी हो सकती है, बेसिकली 2 बार काउंट हो गया, ये डबल हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए था, सही ना, क्योंकि 3 NCR ने मेरे को क्या दिया भाई, मैंने 3 NCR था, मैंने क्या करा, मेरे पास 3 N ब्रैकेट थे तो मैंने एक्स में से कोई भी 3 ब्रैकेट चुन लिया, कर सकता हूँ मैं, सही है, पहली बार तुमने 2 चुके थे वो भी तुम्हारी दिक्कत है, पर मैंने इस बार 3 चुने, फिर क्या करा मैंने बी में से 2 चुने और मैंने जेड में से 5 चुने, तो ये आ गया मेरे पास, सही है, तो ये आ सकता है, ये तो 3 NCR ही दे रहता, तो तुम्हें आर फैक्टोरियल से करने की जरूरत ही क्या थी, समझ में आ गई बात, तो तुम्हें यहाँ पर ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर मैटर, ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, ओके परफेक्ट, तो इसलिए इसका सिंपल सा आंसर कितना होगा 3 NCR। ये लो भैया तुम्हारे लिए मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से समझा दिया, ये तुम चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिखोगे, बिल्कुल ऐसे लिख लेना अच्छे से एकदम, ठीक है, और ये वाला अपने आप समझा देना, कॉशन कॉशन इट वोंट बी 3 NCR इंटू आर फैक्टोरियल, क्यों नहीं होगा वो मैं तो समझा चुका हूँ, तुम अपने आप लैंग्वेज में लिख लेना, ओके परफेक्ट। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जिसने हमारा पूरा 50 मिनट के आसपास ले लिया है, राइट, तो बढ़िया, पर हमें समझ में आया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, कि प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, ओके देन मिलते हैं अगले वाले में, बहुत ही एक्सक्लूसिव इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं और अभी भी एक्सक्लूसिव ही आने वाला है फिर से, ठीक है, तो बिल्कुल कहते हैं एकदम मज़े में रहो इस टाइम पे, तो